फिल्म इंडस्ट्री में भला एक्ट्रेस तनुजा को कौन नहीं जानता होगा। 60 और 70 के दशक में उनका कब्जा हुआ करता था। मशहूर एक्ट्रेस के किस्से भी उन्हीं की तरह मशहूर हुआ करते थे। तनुजा की अदाकारी ने लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ दी थी। उन्होंने कई सारी फिल्मों जैसे कि मेम दीदी, चांद और सूरज, मेरा जीवन साथी, हाथी मेरे साथी जैसी कई फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्मों को दर्शकों ने खूब सराहा और प्यार भी दिया। साथ ही अदाकारा को लोग धर्मेंद्र के साथ देखना खूब पसंद करते थे। तो आज हम इस प्यारी सी जोड़ी के एक ऐसे किस्से के बारे में आपको बताएंगे जिससे आप वाकिफ नहीं होंगे और इसे सुनकर शायद आपको बहुत हैरानी भी हो। तो चलिए हम आपको उस किस्से के बारे में बता ही देते हैं। दरअसल यूं हुआ कि एक बार तनुजा ने धर्मेंद्र को सबके सामने थप्पड़ मारा, जिसकी जानकारी खुद ही अदाकारा ने साल 2014 में एक इंटरव्यू के दौरान साझा की, जिसे सुनकर सब लोग चौंक गए और वजह जानने के लिए आतुर हो गए। ये वजह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एनएन बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। वेल, तनुजा ने उस किस्से के बारे में बताया कि ये बात उनकी फिल्म चांद और सूरज के सेट की है। दरअसल धर्मेंद्र तनुजा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से वो गुस्से में आ गई और उन्होंने सबके सामने धर्मेंद्र को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बारे में बॉलीवुड फेम ने कहा था कि एक दिन उन्होंने मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, हैरान होकर मैंने उसे थप्पड़ मारा और कहा, बेशरम, मैं तुम्हारी पत्नी को जानती हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत कर रहे हो। जिसके बदले में तनुजा से धर्मेंद्र ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा था, तनु मेरी माँ, सॉरी बोलता हूँ, प्लीज मुझे अपना भाई बना लो। जिस पर तनुजा ने कहा, मैं अपने ही भाई के साथ खुश हूँ। लेकिन उनके बार बार बोलने पर अदाकारा ने उनकी कलाई पर धागा बांध दिया था। आपको बता दें कि अदाकारा ने साझा किया था कि वो धर्मेंद्र के फ्लर्ट करने पर काफी हैरान थी, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने परिवार से मिलवाया था। तब एक्टर केवल प्रकाश देओल के पति थे, जिनसे उन्होंने तनुजा को मिलवाया भी था। अगर इस जोड़ी की हिट फिल्मों की बात करें तो बहारें फिर भी आएगी, इज्जत, दो चोर जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया था। साथ ही अदाकारा 2018 में फिल्म सोनार पहाड़ में नजर आई थी, जिसकी सराहना सभी ने की थी और लोगों को उनकी ये फिल्म खूब पसंद भी आई थी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।